Hello everyone, good morning, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में new chapter start है biotechnology principle and process. ठीक है, chapter का नाम है biotechnology principle and process देखेंगे biotechnology में. ठीक है, इससे previous में application देखे थे biotechnology का, इसमें हम लोग process और principle देखेंगे. ठीक है, देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है. तो बायोटेक्नोलॉजी होता है, बायो मतलब होता है क्या, लाइफ होता है, टेक्नोलॉजी जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चला है तो वो बोलेगा. ठीक है, व्हेन वी यूज टेक्नोलॉजी इन लिविंग वर्ल्ड एंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑफ मैनकाइंड. देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे कि कोई भी जब हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, अपने वो संसार में कोई भी चीज़ को एक प्रोडक्ट कर, एक प्रोडक्टिविटी देते हैं. ठीक है, एक प्रोडक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो मैनकाइंड के थ्रू हो, ठीक है, वो आदमी के थ्रू हो, मानव से बनाया गया है कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी से, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, बायो टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ठीक है, जीवन से रिलेटेड, ठीक है, लाइफ से रिलेटेड. अब देखो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो दो टाइप्स के प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है. पहला में है जेनेटिक इंजीनियर्स और दूसरा में है बायोप्रेसरिंग. ठीक है, फर्स्ट में क्या है, तो जेनेटिक इंजीनियर है. ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर क्या कह रहा है, तो टेक्निक दैट हेल्प्स टू चेंज द डीएनए और आरएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इसमें इस मेथड से क्या होता है कि आप डीएनए और आरएनए को चेंज कर सकते हो. इस टेक्निक से आप डीएनए और आरएनए को चेंज कर सकते हो. कोई भी ऑर्गेनिजम्स में आप डीएनए और आरएनए को क्या कर सकते हो, इजिली वैसे चेंज कर सकते हो. ठीक है, अब देखो तो किससे किसका डीएनए और आरएनए चेंज कर सकते हो, तो होस्ट होस्ट का. ठीक है, द होस्ट बिकम्स फेनोटाइपिकल मॉडिफाइड. वो कैसा होना चाहिए, तो फिनोटाइपिकल होना चाहिए, जो जो सन के थ्रू लाइट गेन करे. ठीक है, जो सनलाइट से ये हो उसको क्या बोलते हैं, फिनोटॉपिकल बोलते हैं. ठीक है, प्लांट को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मॉडिफाइड कर सकते हैं, उसके डीएनए और आरएनए क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. ठीक, अब देखो बायो प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो सर्टाइल कंडीशन आर मेंटेन टू इंश्योर द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स. इनमें क्या होता है, बायो प्रोसेसिंग में कोई भी सर्टाइल माइक्रोब्स है उसको क्या किया जाता है, तो ग्रोथ किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है. ठीक है, बायो प्रोसेस में अगर इट इंश्योर नो कॉन्टेमिनेटेड बाई एनी अदर माइक्रोब्स दस प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे माइक्रोब्स को आप कॉन्टामिनेट कर सकते हो. ठीक है, इसके हम लोग इस प्रोडक्ट को हम लोग प्रोटेक्शन में काम करते हैं. ठीक है, प्रोटेक्टिंग में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है. ठीक है, अब देखो क्या है, ओवरव्यू ऑफ चैप्टर. इस चैप्टर के ओवरव्यू पढ़ेंगे कि ओवरव्यू क्या बोल रहा है, इस चैप्टर का क्या मतलब है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो कलेक्शन ऑफ अ सैम्पल ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल का सैंपल को पहले कलेक्ट करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे. ठीक, वही डीएनए यहाँ पे क्या होगा, तो फर्मेंट्स होगा. फर्मेंट होगा तो एक एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ये करेगा. ठीक है, उसके बाद इसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं. उस एंजाइम्स क्या करेगा, सीजर की तरह काम करेगा और डीएनए को सेपरेट करेगा. ठीक है, फ्रेगमेंट्स कर देगा. ठीक है, डीएनए को क्या करेगा, सेपरेट करेगा. उसको हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोसिस के हेल्प से इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. ठीक है, वही इस उसके बाद इसी डीएनए को हम लोग नेक्स्ट इवोल्यूशन में इसको एक्सट्रैक्टिंग करेंगे. ठीक है, डीएनए जेल को. अब देखो उसके बाद बहुत सारे डिजायर जीन मिल जाएगा. ठीक है, ये डिजायर डीएनए है. देखो यहाँ पे क्या है, होस्ट सेल है. ठीक है, ये होस्ट सेल है. फिर जीन टॉक्सिन होगा, फिर वेक्टर डीएनए मिलेगा. तो देखो डीएनए फ्रेगमेंट और वेक्टर मिलकर रिकॉम्बिनेट बनाएगा डीएनए का, दोनों मिलकर एक रिकॉम्बिनेट बना जाएगा डीएनए. ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोल रहा है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर डी एन ए इन टू द होस्ट सेल. देखो ये क्या कर रहा है, डीएनए आर डी एन ए को होस्ट सेल पे इंट्रोडक्शन का बात कर. पहले यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्म केस वन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेट नहीं हो रहा है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेट नहीं हो रहा. बट यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लस ट्रांसफर. यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन से हट रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट हो रहा है और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, इसमें देखोगे तो ये जो डीएनए है ये क्या हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा डीएनए. देखो यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर किया तो सेल डिवाइड किया. ठीक है, सेल डिवाइड किया, इकोलाई क्या किया, दो इक्वल भाग में डिवाइड हो गया.
ठीक है। नेक्स्ट देखो सिलेक्शन और स्क्रीनिंग। देखो अगर सिलेक्टेबल मेकर्स दो टाइप्स के होता है, ठीक है, एक क्रोमेटिन इंजाइम्स होता है, दूसरा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इंजाइम जीन होता है, ठीक है। दो टाइप्स के यहाँ पे सिलेक्शन होता है, पहले में क्रोमोजोम्स के क्रोमोजोम्स के तरीके से होगा, दूसरा में एंटीबायोटिक की तरह से होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये सारे प्रोसेस है, 12-13 जो है वो सारे प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का। अब देखो बायो रिएक्टर्स या फर्मेंटर्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ये जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाता है, लार्ज प्रोडक्शन है ये, ठीक है। उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, तो प्यूरिफिकेशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट को प्यूरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कैसे होता है, पहला इंट्रासेलुलर का एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, सेल जो है वो डिसचैप्चर कर जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। मैकेनिकली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, किस किस तरीके से इसको, किस किस तरीके से डिसरप्ट होता है, किस तरीके से ये डिसरप्टेज होता है, तो ये मैकेनिकली होगा, ठीक है, मैकेनिकल के थ्रू, या होगा फिजिकली, केमिकली, या इंजाइम्स, ठीक है, मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल के थ्रू या इंजाइम्स के थ्रू, ये सारे जो है यहाँ पे डिसचैप्चर होगा, मतलब सेल जो है वो फट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल्स, जितने भी इनसॉल्युबल्स है उसको क्या करेंगे, तो रिमूव करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से रिमूव होगा, तो यहाँ पे या तो फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो सकता है, सेडिमेंटेशन के थ्रू होगा, या सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, या फॉलिकुलेशन के थ्रू, ठीक है। ये सारे के थ्रू क्या होगा, जो जितना भी इनसॉल्युबल है वो सब रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आइसोलेशन होगा, आइसोलेशन में क्या होता है, तो या तो अब्जॉर्बेशन होगा, अब्जॉर्ब करेगा, या तो वो अब्जॉर्प्शन का हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, या फिर वो एक्सट्रैक्ट कर देगा, या पेरिसिपिटेशन हो जाएगा, या फिल्टर कर देगा, उस फिल्टर करेगा या अब्जॉर्प्शन करेगा, इवेपोरेशन, ये सारे प्रोसेस है जितने भी इंसोलेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन क्या होता है, तो प्यूरिफिकेशन में क्या करेगा, तो यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी होगा, और प्रिसिपिटेशन या मेम्ब्रेन का यहाँ पे फिल्टर करेगा। उसके बाद यह क्या करेगा, फिनिशिंग करेगा। फिनिशिंग क्या करेगा, तो क्रिस्टलाइजेशन में फिनिशिंग करे, या सेटलाइजेशन, या ड्राइंग करे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये है बायो रिएक्टर, ठीक है। बायो रिएक्टर फर्मेंटर क्या बोलता है, अब देखो फर्स्ट जो हम लोग जो भी ये पढ़े, अब देखो इसमें पहले हम लोग आइसोलेशन पढ़ेंगे, आइसोलेशन क्या बोल रहा है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए में आइसोलेशन कैसे होता है, देखो ये एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या, ये जो है आप, ये क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है, और ये क्या आरएनए है, और ये जो है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। देखो पहले क्या होगा, स्पॉलिंग डीएनए, पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए का स्टेप वन देखेंगे, पहले क्या किया जाएगा, पहले स्पॉइलिंग किया जाएगा। स्पॉइलिंग में क्या होगा, डीएनए को यहाँ पे चिल्ड किया जाता है इथेनॉल के थ्रू, इथेनॉल के थ्रू इसको क्या किया जाएगा, चिल्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है वो क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करके डीएनए स्टैंड करेगा। अगर प्लांट सेल का बात करें, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है, तो सेलुलोज एंजाइम से बना होता है। उसके बाद वो क्या बनाएगा, तो सेलुलोज बनाएगा। वहीं पे अगर बैक्टीरियल सेल का बात करें, तो जो सेल वॉल है वो क्या बनाएगा, पेपिडोग्लाइकन एंजाइम से बनाएगा। वही पेपिडोग्लाइकन एंजाइम बनाएगा लाइकोजाइम, ठीक है। फंगी का बात करो, तो फंगी में सेल वॉल होता है, सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है, काइटिन एंजाइम से, काइटिन एंजाइम से ही काइटिनेज बनाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लीक डीएनएज का यूज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, देखो डीएनए का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। 1963 में एक साइंटिस्ट थे हैलिंगटन, ये जो है वो एक एंजाइम्स को डिस्कवर किए, उस एंजाइम्स को क्या नाम है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नाम है, ठीक है। इसको क्या किया, तो डिस्कवर्ड किया, ठीक, कहाँ और कैसे किए, तो वो किए, देखो वो पहली बार जो ये एंजाइम्स है उसको किस पे किए, तो बैक्टीरिया पे ट्राई किए, ठीक है। बैक्टीरिया पे ट्राई किए तो उसमें क्या निकला था, हेमाफोसिस इन्फ्लुएंजा निकला, ठीक है। वही इन्फ्लुएंजा किसको काउज करता है, तो निमोनिया का काउज करेगा, ठीक है, निमोनिया का एजेंट है। देखो बैक्टीरियोफेज जो है वो वायरस को क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टू टाइप्स के एंजाइम्स है,
टू टाइप्स के एंजाइम्स यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। फर्स्ट क्या है, रिसेक्ट्रेशन एंजाइम्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया होगा, विल नॉट रेसिस्टेंट टू ग्रोथ ऑफ वायरस। इस साइटोप्लाज्मा में जो वायरस है वो ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। अब वहीं पे डीएनए मिथिलेज है, डीएनए मिथिलेज में क्या होगा, इसमें ऐड होगा मिथाइल का, मिथाइल के ग्रुप यहाँ मिथाइल के ग्रुप यहाँ पे ऐड होगा। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जैसे आरई जो है वो कैन नॉट ऐड, इसमें आरई जो रिसेप्टरिक एंजाइम जो है उस पर कोई भी एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आज तक का इतना ही।